और अब देखें 5 मिनट का बुलेटिन। योगी सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरे ने किया दिव्यांग का अपमान। साफ सफाई निरीक्षण के दौरान दिव्यांग सफाईकर्मी को देखकर बोले, ऐसा आदमी क्या करेगा सफाई। यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर पर 17 अप्रैल की रात टोलकर्मी को पीटने का आरोप। मुरादाबाद बरेली नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकने पर भड़के थे विधायक, वारदात सीसीटीवी में कैद। योगी आदित्यनाथ आज यूपी के बुंदेलखंड इलाके के दौरे पर जा रहे हैं। योगी झांसी और आसपास के जिलों में विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही गेहूं खरीद केंद्रों पर भी जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान में योगी सरकार का एक और कदम, अगले साल 2 अक्टूबर तक ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में शौचालय बनाने के आदेश। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने के आदेश दिए हैं, साथ ही अपराधियों से करीबी रखने वाले पुलिस वालों की भी पहचान करने को कहा है। अभी तक योगी के सिर्फ 13 मंत्रियों ने दी संपत्ति की जानकारी, सीएम योगी ने 5 अप्रैल तक पूरी जानकारी देने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में ई टेंडरिंग के जरिए 6 महीने के लिए खनन परमिट देने का रास्ता साफ किया। ई परमिट सिस्टम को 1 मई तक अंतिम रूप न देने को कहा। 3 तलाक को लेकर लखनऊ में महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मुस्लिम महिला संगठनों के साथ बैठक की, पीड़ित महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी में सरकार। यूपी के अलीगढ़ में फातिमा नाम की एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर ही 3 तलाक कहकर छोड़ा, महिला को है 3 महीने का गर्भ। यूपी के गोंडा में इस्माइल नाम के शख्स ने पत्नी तबस्सुम को फोन कर दिया 3 तलाक, घर में पल रहे बच्चे की बेटी होने की वजह से पत्नी से नाता तोड़ा। योगी सरकार में दिखने लगी है पुलिस की चुस्ती, आगरा में बीए की छात्रा का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी को भेजा गया जेल, दूसरे की तलाश जारी। यूपी में नकल माफिया पर नहीं लग रही लगाम, बागपत में इम्तिहान से पहले ही 12वीं का पेपर हुआ आउट। वाराणसी के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत, कॉलेज से 20 महीने की फीस वापस दिलाने की मांग की। यूपी में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में योग की पढ़ाई करनी होगी, 20 नंबर का इम्तिहान भी देना होगा, बाबा रामदेव की संस्था तैयार करेगी पाठ्यक्रम। एक और विवाद में आया शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का नाम, महाराष्ट्र के लातूर में पुलिस वाले को धमकाया, वर्दी उतरवाने की दी धमकी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में देर रात 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, मरने वाले युवकों की पहचान इमरान और कमर के रूप में हुई है, हत्या की वजहों का पता नहीं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के उम्मीदवार मिनातुल्लाह आलम पर हमला, बाल बाल बच्चे मिनातुल्लाह बवाना से स्वराज इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी के प्रतापगढ़ में स्टेट बैंक के गार्ड को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, गार्ड की मौत, कैश से भरा बक्सा गाड़ी से निकालते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, बदमाश फरार। यूपी के शाहजहांपुर में हथियारबंद लुटेरों ने की डकैती, महिलाओं से की दरिंदगी, पुलिस ने कहा घर के दामाद ने ही घटना को दिया अंजाम। यूपी के कानपुर देहात में एक पंचायती फरमान की वजह से युवक ने दे दी जान, प्रेम प्रसंग में पंचायत ने पूरे गांव के लोगों के पैर छूने की सजा दी। कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले ब्रजमोहन गुप्ता का बेटा अमन अपनी शादी के दिन गायब हुआ, शादी की तैयारी पूरी लेकिन दूल्हे का कुछ भी पता नहीं। यूपी के कन्नौज में पुलिस वालों के हैवानियत, चाय वाले से हुए मामूली विवाद के बाद पुलिस वालों ने युवक को बेदर्दी से पीटा, युवक के साथ गाली गलौज भी की। एमपी के होशंगाबाद में इटारसी हॉलीडे एक्सप्रेस ट्रेन में वेंडर ने नाबालिग से की रेप की कोशिश, आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, किया जीआरपी के हवाले। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, सतलुज यमुना लिंक नहर के झगड़े में केंद्र के हस्तक्षेप की करेंगे मांग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में ओखला के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के हड़ताल पर बैठे प्रोफेसर से मुलाकात की, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं हड़ताल। भारत सरकार ने नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की रिहाई की कोशिशें तेज की, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त 4 मांगे लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के आला अफसरों से मिलेंगे। कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 23 अप्रैल को दिल्ली आएंगी, पीएम मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से करेंगी मुलाकात। खराब खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव बर्खास्त, बीएसएफ ने कहा तेज बहादुर ने तोड़ा अनुशासन। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, ऐसे अधिक संपत्ति के केस में ईडी ने समन दिया है। हैदराबाद में क्रिकेट का सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, करीब 11 लाख रुपए और सट्टे में काम आने वाला सामान भी जब्त। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्सन क्या प्रेग्नेंट है, सेरेना ने स्विम सूट में अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिस पर लिखा है 20 हफ्ते, तस्वीर पोस्ट होते ही सेरेना को दुनिया भर से बधाइयों का तांता लग गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के करीब चक्कर लगा रहे एक उल्कापिंड की तस्वीर जारी की है, करीब 2000 फीट का ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है या नहीं इसका अध्ययन किया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।